आया हो उसके पास, ये बताओ, अधिकार भी तो उसी की वजह से आया, अधिकार भी तो मनीष चौहान की वजह से ही आया। एक बात बताओ, उसके तो पल्ले इतना भी नहीं है कि वो ग्राम पंचायत की एक सदस्य ही बन के दिखा दो। ऐसा थोड़ा ही ना है, चुनाव ये जिले का चुनाव है, इसमें पैसा भी लगता है, सब कुछ लगता है, उसने ही तो बनाया उसे। के तो क्या मामला, के तो विधायक बनेगा वो कौन है? मनीष चौहान, इसका पर्सन पर जुत्ती लगेगी। है? हाँ, पर्सन गया आपका, मनीष आ गया। वो कैसे? बस बता दी देर से। पर्सन का क्या क्या मतलब है? पर्सन ने मधु को हटा लिया इस वजह से? अब पर्सन ने तो हटाया, अरुण प्रदीप ने, दूसरों के माल पर राज कर रहे हैं, तो ये तो वैसे ही है नहीं, चलते फिरते नेता है। तो क्या लग रहा है आप वहां तो इकरा हसन के आप है समर्थक इकरा हसन के, लेकिन मनीष चौहान की रैली में गए? बगे चले गए, प्यार मोहब्बत है मुझसे भी, 84 की बात आएगी थी ना, फिर 84 की पंचायत नहीं थी वो, नहीं 84 की बात आएगी थी, फिर जाना पड़ा भाई जी। ये तो कह रहे हैं 84 की पंचायत में गए थे भाई, पंचायत भी थी और 84 की शक्ति प्रदर्शन भी था, गुजरों का अपना वजूद भी तो दिखाना था, अपना वजूद दिखाया गुजरों ने। आपने भी, आप भी तो गए होंगे उस पंचायत में, देखा कितनी भीड़ थी। कह रहे कुछ लोग फलोप होगी पंचायत। अजी नहीं, फलोप कैसे हो जाएंगी, जहाँ हम आए वहाँ फलोप हो जाएगी। मतलब हम क्या मतलब? अरे जहाँ हम रहेंगे वहाँ नहीं फलोप होगी, हमें तो इकरा जता दी, रुक के दे देगा। रुक के दे देगा। हाँ मनीष ने भी नहीं जताओगे, टेंशन ना ले दो, जो रिश्तेदार आके देंगे बगैर तो एक बार मनीष का लेगा लगना, जान दो। हाँ मनीष विधायक बनेगा। लेकिन क्या है, मुसलमानों को भी, मुसलमान जो है बीजेपी पर नहीं जाता, मनीष चौहान बीजेपी का कैंडिडेट है। चौहान तो मतलब है इन लोगों ने, बीजेपी तो मतलब नहीं, और पत्रकार साहब हम भी फंसाओ इन लोगों ने, बोले आदमी है काम के दिखे, इसने बीजेपी का क्या मामला, वो तो मनीष चौहान के लिए है, वो दूसरी पार्टी में चले जाओ उसके लो चले जाएंगे लोग, तो बहुत प्यार मोहब्बत है इन लोगों ने। लेकिन विधानसभा किराना है, वो शामली विधानसभा है, वजह क्या है इससे किराना विधानसभा के लोगों को वहां जाना? एक बात तो बताओ, गुज्जर नहीं आएगा वो, 84 का नहीं आएगा वो, मेरे समाज का नहीं आएगा वो, 84 के तो जो चौधरी है, चौधरी रामपाल जी, उन्हें तो इससे बायकाट कर दिया था पंचायत का। एक बात बता दो, उन्होंने बायकाट कर दिया था, अगर पंचायत में ना जाइयो, इब सब उनकी मन है, कुछ उन तलक भी तो होंगे लोग। हेलो दोस्तों, मैं शहजाद बद्री, आप देख रहे हैं एनडी यूपी। आज हम मौजूद है ग्राम भूरा में, मनीष चौहान और मधु गुज्जर के बीच इस तरीके का प्रकरण चल रहा है। अब भूरा गांव के लोग उस पर क्या सोचते हैं, और यहाँ की लोकसभा में इकरा हसन के लोकसभा में ये गांव आता है, ये चौधरी साहब उसका कैसा चल रहा है? बढ़िया बिल्कुल। तवक्कू कैसा है? एकदम जेन्युइन नंबर वन। अच्छा, मजा आ रहा है तवक्कू में? बेहतरीन। ये 84 का एक होक्का भी बहुत मशहूर होता है, 84 की चौधराहट में होक्का अगर ना चले तो मजा नहीं आता, तो 84 में और होक्के का कुछ क्या है पुराना है? तो बहुत पुराना ताल्लुक है, चौधरियों के शान है होक्का, तो चौधरियों के चौधर हो। तो ये अभी मनीष चौहान का और मधु गुज्जर का मामला चल रहा, मनीष चौहान ने पंचायत की अभी, तो उस पंचायत में क्या संख्या ठीक ठाक पहुंची या क्या कम रही ज्यादा? नहीं, संख्या तो बहुत अच्छी पहुंची वहां पे, लेकिन मधु ने गलत करा, मधु एक ग्राम पंचायत की मेंबर भी नहीं बन सकती, और मनीष चौहान ने उसे जिले पे बैठा दिया। एक बात बताओ, है वो मेंबर बनने के लायक? लेकिन अब तो चेयरमैन है वो, तो है तो उसी के ही उसने ही तो बनाया, ले अपने आप में खुद में बन के देख लो, इस्तीफा दे के देखो, दोबारा बन ले। वो कह रहे हैं जब मधु को कोई चीज दे दी गई जिसके वजह से जो है चेयरमैन भी पद उसको मिला, वो कह रहे हैं मुझे जो है खर्चे की भी दिक्कत, गाड़ी की गार्ड वगैरह जो सुविधा होती है मुझे उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं अलग हो गई, तो मैं अपना अधिकार जान गई। तो अधिकार किसकी वजह से आया उसके पास, ये बताओ, अधिकार भी तो उसी की वजह से आया, अधिकार भी तो मनीष चौहान की वजह से ही आया। एक बात बताओ, उसके तो पल्ले इतना भी नहीं है कि वो ग्राम पंचायत की एक सदस्य ही बन के दिखा दो। ऐसा थोड़ा ही ना है, चुनाव ये जिले का चुनाव है, इसमें पैसा भी लगता है, सब कुछ लगता है, उसने ही तो बनाया उसे। तो ये 84 की पंचायत थी है या मनीष चौहान का शक्ति प्रदर्शन था? ये शक्ति प्रदर्शन था, दिखाना था बीजेपी वालों से।
मनीष चौहान भी तो बीजेपी के ही है। हाँ तो 27 का चुनाव भी तो है, टिकट के लिए भी तो कुछ जनसंख्या दिखानी थी। अच्छा मतलब बीजेपी से ही जनसंख्या दिखानी है, 27 में टिकट चाहिए मुझे। हाँ ये बातों का कहाँ से पता लगा आपने? बारीकी की बातों का क्या है, तो दिल की बात है, ये अपने दिल में रखे है जी। हाँ जब इसके दिल में आवे किसी तक घबराता नहीं, डायरेक्ट बोल रहा मालिक। अच्छा जी जी हाँ, तो मतलब 84 की जो पंचायत थी ये 84 की नहीं थी, एक शक्ति प्रदर्शन था। 84 की पंचायत भी थी, शक्ति प्रदर्शन भी था, एक किस्म दिखाना था जी। 34 साल तमाकू बड़े अच्छे तरीके से निकाल रहे हैं, मजा आ रहा वो पूछना बात। अच्छा मजा आ रहा। तो ये क्या मामला है, मनीष चौहान की पंचायत इसमें पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे आप? हाँ पूछे थे, अकेडमी में था, ले कर लगना जान नमक अगले घर। अगले घर कौन से? इबका तो क्या मामला, इबका तो विधायक बनेगा वो। कौन? मनीष चौहान। इबका पर्सन पर जुत्ती लगेगी। हाँ पर्सन गया, इबका मनीष आ गया। वो कैसे? बस बता दी देर से। पर्सन का क्या मतलब है? पर्सन ने मधु को हटा लिया इस वजह से? अब पर्सन ने ही तो हटाया, अरुण प्रदीप ने, दूसरों के माल पर राज कर रहे हैं। तो ये तो वैसे ही है नहीं, चलते फिरते नेता है। तो क्या लग रहा है वहां? तो इकरा हसन के आप है समर्थक इकरा हसन के, लेकिन मनीष चौहान की रैली में गए? गए चले गए, प्यार मोहब्बत है मुझसे भी। 84 की बात आएगी थी ना, 84 की पंचायत भी थी वो? नहीं 84 की बात आएगी थी, फिर जाना पड़ा भाई जी। ये तो कह रहे हैं 84 की पंचायत में गए थे भाई, पंचायत भी थी और 84 की शक्ति प्रदर्शन भी था। गुजरों का अपना वजूद भी तो दिखाना था, अपना वजूद दिखाया गुजरों ने। आपने भी, आप भी तो गए होंगे उस पंचायत में, देखा कितनी भीड़ थी। कह रहे कुछ लोग फ्लॉप होगी पंचायत। अजी नहीं फ्लॉप कैसे हो जाएंगी, जहाँ वहाँ फ्लॉप हो जाएगी। मतलब हम क्या मतलब? अरे जहाँ हम रहेंगे वहाँ नहीं फ्लॉप होगी, हमें तो एक रजता दी रुक के दे देगा। रुक के दे देगा। हाँ मनीष ने भी नहीं जताओगे, टेंशन ले दो, जो रिश्तेदार आके देंगे बगैर तो एक बार मनीष का लेगा लगना जान दो। मुसलमानों को भी, मुसलमान जो है बीजेपी बनी जाता, मनीष चौहान बीजेपी का कैंडिडेट है। चौहान तो मतलब है लोगों ने, बीजेपी तो मतलब नहीं। पत्रकार साहब तम भी फसाओ इन लोगों ने, बोले आदमी है काम के दिखे। इसने बीजेपी का क्या मामला, वो तो मनीष चौहान के लिए है, वो दूसरी पार्टी में चले जाए उसके चले जाएंगे लोग, तो बहुत प्यार मोहब्बत है इन लोगों ने। लेकिन विधानसभा किराना है, वो शामली विधानसभा है, वजह क्या है इससे किराना विधानसभा के लोगों का वहां जाना? एक बात तो बताओ, गुज्जर नहीं आएगा वो, 84 का नहीं आएगा वो, मेरे समाज का नहीं आएगा वो। 84 के तो जो चौधरी है, चौधरी रामपाल जी, उन्होंने तो इससे बायकाट कर दिया था पंचायत का। एक बात बता दो, उन्होंने बायकाट कर दिया था, अब भाई पंचायत में न जाइयो। इब सब उनकी मन है, कुछ उन तलक भी तो होंगे लोग, पर रोके क्यों नहीं पे, उन्हें रोके क्यों नहीं उन पे भाई? बाबूजी उगम सिंह थे, 84 की तो मन करी थी। अरे भाई उसकी लंडी ने आने का वहां से देख, मैं पंचायत में कड़ी फिर कौन चौधरी रहेगा भाई? और जब लंडी चली गई बाबूजी तो जरे नहीं, बाबूजी तो बाद में किस पे है, उधर लंडी पे है, हम तो नहीं रामपाल पे है, चौधरी रामपाल जी को कह रहे हैं। एक बात बता दो, जो के ले रहा तू, मैं एक सपना यू, अरे मोबाइल भी ले रहा है तो दोनों तेरे ही है, जो मैं एक हटा ला तो आज चली जाएगी, दिखेंगे बस हम, बोल तो दिखेंगे। अरे जो मोबाइल हटा लिया तो बोलो जाएंगे हम नहीं दिखने के, तो घर में देख रहे बाबू जी चले गए, मरगंगा जी है वो जाएगा पंचायत में बैठ गई, हम भी चले गए। तो कह रहे हैं कुछ लोग फ्लॉप होगी पंचायत इस तरीके की। नहीं फ्लॉप कौन कह रहा, लाख आदमी थे फ्लॉप होना के मतलब, लाख प्लस आदमी थे वहाँ, फ्लॉप की करो जाते रहा। भाई मुस्लिम गुज्जर हिंदू गुज्जर सब मिल के जा रहे थे, सर्व समाज की पंचायत, मुसलमान मुसलमान थे बस वहाँ, हिंदू गुज्जर भी थे, सर्व समाज था ये सब। ना फ्लॉप होती शामली विधानसभा जो है, अगर टिकट हो गए विधायक भी बनेगा मनीष चौहान। तो टिकट मांग रहे मनीष चौहान का? वो नहीं मांगेगा, हम मांगेंगे, हम ले आओगे टिकट जाएगा। किसका? मनीष चौहान का। कहाँ से? जहाँ तभी आवे मंदिर ले आओगे। नहीं लाए शामली से, लाएंगे किराने से लाएंगे। शामली से ले आओगे, शामली में तो ऑलरेडी जो है तेजेंद्र निरवाल जी है। नहीं तेजेंद्र निरवाल जी अध्यक्ष है, बस मैं सफर कर लो। पहले विधायक भी तो रहे ना, पहले ही तो रहे, दूसरा बना कौन, देखो कौन बना कभी जाके है भाई, चेहरा भी तो बदले अगे एक रखोगे पोस्टर पर टांगा क्यों टंग रहा। पर मनीष चौहान लोगों का काम तो करेगा मनीष चौहान, रात ने 11 बजे फोन उठावेगा मनीष चौहान, वो डंपर संजो धीरे तेजेंद्र निरवाल देने के नाम के बैठे फिर यहाँ है भाई। फिर उस तुम कहते हो तो आपकी किराना है ना वो, शामली विधानसभा का मामला है, किराना हमारा विधायक है ना ईद। अच्छा बनाने रखा हमने, क्या मामला है ना ईद के लोग मनीष को बिचारे।
मनीष भी गुजर ना भी गुजर मैं रहे दोनों ही ये मामले तो दोनों रहने पड़ेंगे अपने एक ना पर शिफ्ट कर लेंगे एक नहीं गए मनीष चौहान ने जो अफवाह चल रही मीडिया पे प्रदीप चौधरी को हरवाया और बनु तो कोई किसी ने हरवाते नहीं दिखे उसके अपने कर्म थे बेचारे कह रहे क्या हाँ जी क्यों ऐसे आप इस बात पे है भाई आप कह रहे का कुछ लोग कह रहे मनीष चौहान ने प्रदीप चौधरी को हरवाया इकरा को समर्थन किया इसलिए पंचायत में मुसलमान इकरा के लोग जी बाद में हर जाए ना फिर शोभा अन्य बनावा है ठीक केली जागती ना बद धूमे धुआ दिया हर तरफ पार लो नकुड़ विधानसभा में भी मनीष चौहान ने हरवाया क्या गंगो विधानसभा पे वो तो उसका घर हो गया वहां भी मनीष चौहान ने हरवाया बताओ लेकिन वो कह रहे अपनी अपनी जो विधानसभा आती है जो अपना इलाका आता है कांदला ब्लॉक में से हारे हैं हम शामली विधानसभा पे तो जीते कांदला ब्लॉक कांदला ब्लॉक को छोड़ दो उसकी विधानसभा शामली लगा या नहीं लगा उसकी विधानसभा तो शामली लगा जीत के नहीं गए एक ऐसी विधानसभा शामली है जिसपे जीतते पहले बताओ 40 से 30 से जीतते थे अब 10 15 से जीत गए तो क्या होगा तो वो उसने काम करे यहाँ पे काम करते तो वोट भी देते लोग अपनी कमी है उसकी है ये यहाँ मनीष चौहान की कमी नहीं है ये खुद प्रदीप चौधरी की कमी है यहाँ लोगों में जिस तरह लोगों का साथ दे रहा हो सुन रहा अगर पहले तो सुन रहे जो है वो अधिकारी मानते नहीं मनीष चौहान की मनीष चौहान तो देख सोशल मीडिया पे देख ला अधिकारियों का पकड़ लिया जाएगा और दोनों कह रहे ना पर यू प्रदीप हरवा दे मनीष चौहान ने जब जताया भेज दिया जब भी कहा था मनीष चौहान ने जता दिया जता के नहीं भेज रखे थे आज कह रहे मैं करा दिया पर जब किसी का आएगा बढ़ने का नहीं किसी ने पूछने का नहीं तो ठीक रहा जी कुछ आएगा फिर तो हरेगा वो लोकसभा तो मेरी है लोकसभा मेरी रहेगी जब तक जिएंगे केली आर पार तरेगी ना अच्छा अब की बार 2027 में क्या लग रहा समाजवादी सरकार या बीजेपी समाजवादी तो पर्दा पास कर देंगे एमपी के चुनाव में कर दिया भी देखते में भी जान अगर लगना तो क्या लग रहा है 2027 में नाहिद हसन के सामने अनिल चौहान मजबूत रहेंगे मरकंगा भाई दोनों कोई से भी नहीं आते नाहिद जीतेगा विधानसभा तो नाहिद के लिए की जा रही है इसका तो बेनवास हो रहा है किसम का तीसरे बार भी दया गया लगातार वही बनागा चौथी बार भी तो बेनव हो रहा है बद्री साहब यहाँ नहीं कोई भी आनेगा इसके अलावा इसके अलावा विधायक जी के नाहिद के जो कितना भी बड़ा नेता तैर ले तो हम मोदी ने लड़ाया ला मोदी ने जीतता योगी ने लड़ाया ला वो जीतने का अमित शाह ने लड़ाया ला वो जीतने का यहाँ था देख हाँ ना ही दिखा का सब जीरो ना ही दसन का ना ही जीरो वक्त की सब जीरो जितने भी नेता है केरे जो फोन तो उठाते नहीं जनता के वो कौन के रहा मेरा फोन ही बाल कर ना टाया तो बोल अनु का मेरा यू काम है गेल होगा वो टेम गया उस पर जो टाइम दाओ फोन इब तो पटा पटा इस बात को ठवेन था पहले हाँ पहले तो बस मस्ती में था ये कह रहे पहले कि जब फोन नहीं उठाते थे नहीं एक बार बीच में गड़बड़ी सी हो गई थी भी सही है कराने रहे सेलर में ही कोई जाएगा हम आदमी मिल लो वो हो गई थी बीच में तो है थोड़ा सा गुमराह हो गया था वो मोदी साहब कैसा लग रहा होगा पक्का बढ़िया लग रहा जी क्या लग रहा आपकी बार जो है ये कह रहे जो अब तो फोन उठा रहे ना आए दर्शन भाई नहीं पता इसके बारे में जी अच्छा ये एक सवाल है अंतिम सवाल हम आपसे करते हैं प्रदेश में योगी सरकार कैसी चल रही वह कुछ नहीं खत्म है मामला क्यों बेकार कर दिए ने तो छाज के कुने लगा दिए मगो हां छाज के कुने लगा दिए ने तो हम बेकार कर दिया सिस्टम इन ने तो बहुत बुरी सरकार है के रे जो है गुंडागर्दी खत्म होगी अरे कहा समाजवादी में हम करोड़ों में थे इस सरकार में आएगा हम रोडों पे आगे बताओ के ग्राम सरकार में रोडों पर क्यों आगे और कहा जा अपने रोडो पे ना घूमे फिरा काम पे जा कहीं बार पैसे नहीं देता कोई बहाना ना ठेकेदार भी मेरे तो अच्छा और ठेकेदार भी पैसे नहीं देते ना बाबा की सरकार है चले जा मजदूरी का भी पैसे नहीं दे रहे इसकी वजह क्या है बस की वजह सरकार है वो बाबा बैठे ऊपर बस गुंडा बनाए दे ना लोग गुंडागर्दी खत्म कर दी अरे हाँ कौन कह रहा गुंडागर्दी खत्म होगी रोज का आदमी मर रहे परसों एक कराने में मर गया अपना मरा या मारा किसी का मारा किसी को उठकर हाँ झूठ तो नहीं बोल रहे नहीं लड़ाई हो रही थी किसी को उठकर मरिया
गुंडा कर दी खत्म करी ना। अरे कलम वाले गुंडा खड़े कर दी कौन देखेगा, कलम का गुंडे तोड़ो रह गए थाने में चले जाऊंगा रिश्वत, तहसील में ब्लॉक में कहीं चला जाए रिश्वत रिश्वत हो रही, पैसा कहाँ पै जाएगा। फसल लोगों की रेट पे बिक रही बाल जो भी कर रही थी, क्या गुंडा कर दी खत्म कर दी उन्होंने, बिल है लोगों के 55,000 रुपए महीने के लिए कट रहे, क्या कमावेंगे इन देने पर लग रहे योगी थे सारा सारा इस दे दिया गए। मतलब बिजली विभाग का जो है ज्यादा बिल वगैरह ज्यादा हो रहा है, ब्रस्ट कर रखा है सारा महकमे ब्रस्ट हो रहे। तड़की 4 बजे चेकिन भाई तड़की 4 बजे चेकिन हुआ तड़काओं में और झूठो के बिल काट ले जा बोले मैं कट रहा हाँ जो पत्ती तार है तुमकी नुका बाबा सरकार है फिर पत्ती नहीं उतरते नहीं पत्ती तार देते नहीं हम पत्ती के होया बदले पेट दस्ते बजता हूँ ले गल लगा। अरे 4 बजे जा तड़की चाहे कोई नरिया चाहे कोई सूर्या और जवा के बिल पर मार दा झटका कैच लिया भाई कटता इसमें तो झूठो ही हाँ मगर तो सरकार दूसरी है जान बच रही है पत्ती तार दत्ते अगर समाजवादी होती समाजवादी में जी भी तो गुंडा करती थी अब तो डर तो है जी समाजवादी में तो मजा था। मजा कैसा था गुंडागर्दी बता रहे तुम थे समाजवादी कौन कह रहा गुंडागर्दी थी गुंडागर्दी इसमोरी सरियाम क्या तुम पत्ती तार दत्ते अगर समाजवादी सरकार होती तो गुंडागर्दी तो उस टाइम थी अब तो डर तो रहे अब अधिकारी गुंडे रे भाई अब जो अधिकारी गुंडे हो रहे कोई भी अधिकारी हो रिश्वत ही खाओगे हर जगह कहीं चले जा तो जेब भरी चाह ठीक हाँ चक्के सभी केस हो एक बार जेब भरता है। उम्र कितनी तुम्हारी उम्र वो मेरी तो उम्र यही है भी सच्चे लो वाले पे अरे तो लंबी क्यों उड़ रहे चौधरी वाली भैया तो मेरी शान और जान यही है मेरा जो कुछ है बस चौधरी बनने का इरादा है कुछ चौधरी हूँ मैं लेगा लगना हाँ वो मेरा यही है जो है बस और मेरे पास कुछ नहीं आया टोपी है बस हाँ बहुत पुराने बहुत दिन तो डू इसी ने मशहूर कर दिया मैं अनि कौन जाना था मुझे एक तो 500-700 लम्बे जाना है अभी जाना है हाँ तू गैंग कौन चल रहा है तुम्हारा। अरे गैंग नहीं चलाते हम तो ऐसे आदमी गरीब आदमी मजदूर मरवाओगे के गैंग चलवा का ये डर तो है कह रहे योगी सरकार में डर तो रहे तुम जी भी तो दिखा रहे हो तो डर लगा है अब किसी के अपना काम करके चले जाए जो करना तो के काम कर कोई केबिल काट ला कोई झूठो आया पुलिस वाला भाई मोटरसाइकिल तो हाथ देंगे और पैसा लेके फरार। अच्छा क्या करे भाई साहब 8 दिन पहले हमने सोशल मीडिया पे खबर देखी अकबद्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया बस मैं बता तो लोगों ने अड़कट्टक रह गए अगर डकैती रख रहे थे लोगों के तो कुछ कराए गए गलत धंधे कराए गए नहीं गलत तो करते नहीं नंबर दो काम कर दो नहीं नहीं करते तो मुकदमा क्यों करा तेरे पे किसी ने गुंडागर्दी करी थी किसी ने गुंडागर्दी कर दी खम्मा गई तो यू मामलो रहा ये बाल जिस पर चावे उस पर मुकदमा ठोक लें जिस पर चावे उस पर न ठाके जेल में ले लें अक्के बाद त्यक बाद पता नहीं क्यों हो गया भाई वो ठह लिया पुलिस ने जिस पर जी करता था ये एक इंस्पेक्टर फोन करा के देगा तेरे पर मुकदमा होगा वहां हाजिर होना पड़ेगा पैसे दे के जान बचेगी कहीं तो सिफारिश करवा रहे हैं कि पत्रकारों पर मुकदमा हो रहे इस वजह से पत्रकारों पर भी पहले तो आम लोगों पर फिर ये भी पत्रकारों पर होने लग गए शुरुआत हो गया तो देखते चलो सिस्टम में भी खराब होगा कोई बात जी, नहीं क्या समाजवादी में इस तरीके होता था नहीं जी है? उस मतों मजा था और नंबर सरकार ने दी उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी ने के दे दिया योगी ने 100 नंबर 102 नंबर कहाँ दे दिया तो मेरी दे हुई है योगी ने कहाँ दे दी 102 नंबर और ये तो मेरी दे हुई है मारा माल बरत रहे बता दो रहते तुम्हारा माल बरत रहे तो गुंडागर्दी नहीं है अब योगी सरकार दबा का चल रही मगा तेरे पर क्यों हो गया और मुकदमा है गुंडागर्दी तो चल रही तो इतनी सोच ले मेरे पर मुकदमा क्यों होया मतलब मेरे पर मेरा मुकदमा का पता तुम्हें हाँ और लव पता तो लगी जा कहीं ना ना कहीं क्या पता लगा मेरे मुकदमे का आप पे जो मुकदमा होया गुंडागर्दी की वजह से तो यहाँ तस्कर हो बस तो फिर शरीफ आदमियों पर मुकदमे चल रही और जो बदमाश है ना सरकार में उन पर कोई मुकदमा नहीं है थानों में जाएंगे और अपना छुट्टी मतलब कुछ बीजेपी के लोग ही जो है इस तरीके के मुकदमेबाजी चला रहे हैं हाँ बीजेपी के ही तो चला हुआ है और कहा समाजवादी बीजेपी के नहीं आदमी बीजेपी का समाजवादी के नहीं होते जो दबंग आदमी है वह पैसे वाले लोग है कुछ सत्ता चला हुआ है पैसे वाले लोग तो सत्ता चला हुआ है बैठ के जो उनसे दबंग है समाजवादी सरकार है जो वो भी उनकी बीजेपी की है जो वो भी उनकी।